Good morning, student. Welcome to today online computer class. इस वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 द टॉपिक डेटा टाइप, जो कि हमने कल थ्योरी पढ़ ली थी. आज हम पढ़ेंगे उसके प्रैक्टिकल. तो प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा सा आपको मैं पहले बता देता हूँ कि डेटा टाइप हमने कल नंबर है, सीक्वेंस है, सेट, नन, मैपिंग ये पढ़े थे. इनके सबके एक एक प्रैक्टिकल करके देख लेते. तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है पाइथन, जो कि मैंने पहले से इसमें इंस्टॉल करके रखा है. पी वाई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा आइडल पाइथन 3.9, ये इस पर क्लिक कर लेते हैं और ये इंटरप्रेटर ओपन हो जाता है. तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी एक इंटीजर टाइप, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है, तो जो नंबर टाइप के जो डेटा टाइप आपके इंटीजर, फ्लोटिंग, कॉम्प्लेक्स और बूलियन, इन चारों के एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं. तो सबसे पहले इंटरप्रेटर पर स्टार्ट करते हैं. कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर देता हूँ. तो ए की वैल्यू 10 दी है. अब इस ए जो 10 है कि हमें पता है कि इंटीजर टाइप का है, तो इसको कैसे चेक करेंगे कि इंटीजर टाइप से जो क्लास है उससे बिलोंग करता है. तो उसके लिए एक फंक्शन होता है टाइप और या लिखेंगे ए, यानी ए का टाइप हमें चेक करना है और एंटर करेंगे. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लास इंटीजर, यानी कि ये जो ए है कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर क्लास का है. ठीक है, नेक्स्ट ऐसे कोई बी लेते हैं और उस बी की वैल्यू देते हैं 10.5. ठीक है, और यहाँ अब इसकी क्लास चेक करते हैं तो इसके लिए टाइप बी. देखिए ये फ्लोट टाइप का है कि पॉइंट वाली वैल्यू आती है, पॉइंट टाइप की. ठीक है, इसके बाद में हम चेक करते हैं कि कोई एक सी कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इसकी वैल्यू देता हूँ मैं ट्रू. तो ट्रू इट मींस ये क्या है, ट्रू और फॉल्स, ये बूलियन टाइप के डेटा टाइप होते हैं. इनके लिए हमें तो सी की वैल्यू हमने दी है ट्रू. तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स ये बुलियन टाइप के डेटा टाइप होते हैं. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ट्रू और फॉल्स लिखेंगे उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही यूज़ करना है, अदरवाइज यहाँ पे एरर जनरेट करेगा. तो इसका टाइप चेक करते हैं, टाइप स्टार्ट सी और एंटर. तो यहाँ पे देखिए बुलियन टाइप का यहाँ पे. अब एक बचता है कॉम्प्लेक्स टाइप. तो कॉम्प्लेक्स टाइप के लिए कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसकी वैल्यू देंगे 2 + 7 j. तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, नंबर के साथ में एक वैल्यू, नंबर के साथ में एक करेक्टर भी हमने यहाँ पे लिखा है. तो अब इसके साथ इसकी अगर d का हम टाइप चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे टाइप और डी. ये देखिए कॉम्प्लेक्स टाइप का यहाँ पर रिजल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स क्लास से बिलोंग करता है जो कि d है. ठीक है, अब इसके साथ में, अब टाइप के साथ में एक फंक्शन और होता है प्रिंट फंक्शन, जो कि वैल्यू को प्रिंट करता है. तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम यूज़ करेंगे. जैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू कोई भी अपनी माइनस 15 × −10 × 5 और ये हम पावर का यूज़ कर लेते हैं. डबल स्ट्रिक के जो साइन होता है, सिंबल होता है, वो पावर यानी कि 5 की पावर 2 हो जाएगी. देखिए साथ में इसकी वैल्यू क्या आती है वो प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे. किसको प्रिंट करना है, ए को. तो यहाँ पे ए लिखेंगे फिर कॉमा से इसको सेपरेट करके इसका टाइप भी चेक करना चाहते हैं तो एक फंक्शन और लगा देंगे इसी फंक्शन के अंदर, टाइप फंक्शन और ब्रैकेट में ए लिख देंगे. यानी एक वेरिएबल है यहाँ पे डबल पैरेंथेसिस इसको इनक्लोज कर देंगे. देखिए इसका रिजल्ट है 250 और क्लास है इंटीजर टाइप का. ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दोनों फंक्शन का भी एक साथ यूज कर सकते हैं. तो ये था अपने जो नंबर टाइप के जो डेटा थे, इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, बूलियन है,
है, इनका हमने यूज कर लिया है। नेक्स्ट अपना सीक्वेंस, तो सीक्वेंस का प्रैक्टिकल हम करके देख लेते हैं। सीक्वेंस में आते हैं स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स, तो इनमें क्या डिफरेंस है वो भी साथ में बताता चलूंगा और इसका प्रोग्राम भी कर लेते हैं। देखिए अब इस कंपाइलर को वापस ऑन कर लेते हैं। तो बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स राइट बिटवीन डबल कोटेशंस। तो यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आई एक वेरिएबल लेता हूँ और इसकी जो वैल्यू है मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ और ये लिखना आपको डबल कोटेशन में, ठीक है, हेलो। ठीक है, तो आई की वैल्यू मैंने हेलो दी है, ठीक है। अब आई का टाइप चेक करते हैं, टाइप देख पा रहे हैं एस टी आर, यानी कि जो स्ट्रिंग है वो एस टी आर क्लास है इसकी और इससे बिलोंग करता है, यानी कि आई क्या है, आई की वैल्यू है स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो स्ट्रिंग क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है अपना सीक्वेंस में लिस्ट। तो लिस्ट क्या होती है स्टूडेंट, लिस्ट इज एन सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेट बाय कॉमा, यानी कि जो आइटम्स होते हैं उनकी एक सीक्वेंस लिस्ट होती है, सीक्वेंस के अंदर एक लिस्ट होती है और उनको सारी वैल्यू को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो ये एग्जांपल लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ बी, ठीक है। आप कैपिटल का भी यूज़ कर सकते हैं, बी मैंने कैपिटल का यूज़ किया है। और जो लिस्ट हम बनाएंगे उसको हमें ब्रैकेट का यूज़ करना है, जो बिग ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ओपन एंड क्लोज मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर करेंगे, जैसे लिस्ट बनाएंगे तो नंबर लिखा मैंने 5, एक फ्लोटिंग नंबर, यानी वेरियस डेटा टाइप की वैल्यू भी इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लेना चाहूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग भी आप ले सकते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, और कोई भी और भी वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेन, और पेन लिखा 5C। तो 5C क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, इसको स्ट्रिंग बनाना चाहिए तो आप स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा कॉमासिस को हम सेपरेट कर देते हैं। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का यूज़ किया है। तो मैं इस बी को का टाइप चेक करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, साथ में प्रिंट बी को प्रिंट किया और कॉमा के बाद में इसका टाइप भी चेक करना है। तो हम यहाँ पे टाइप लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे, जो लेट में बी है जो एक वेरिएबल लिया हमने उसको हम लिखेंगे और यहाँ करेंगे एंटर। तो जैसे हमने एंटर किया तो देखिए क्लास तो लिस्ट आ रही है, यानी बी क्या है एक लिस्ट है, ठीक है, और जो इसके अंदर वैल्यू थी वो एज इट इज़ यहाँ पर प्रिंट हो गई है, जो वैल्यू थी सेम टू सेम यहाँ पर प्रिंट हो गई। तो ये तो लिस्ट टाइप का। इसके बाद में आता है टपल। तो टपल और लिस्ट एक जैसे ही हैं, बट इसके अंदर क्या होता है कि जो ये ब्रैकेट है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर पैरेंथेसिस, इस स्मॉल ब्रैकेट जो होता है उसको पैथन के अंदर पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट का यूज़ किया जाएगा। और इसमें एक और डिफरेंस है कि लिस्ट में हम क्या करते हैं, जब इनकी वैल्यू दे देंगे, जब रन टाइम, जब बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें रन टाइम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट कि इम्यूटेबल डेटा टाइप और म्यूटेबल डेटा टाइप पढ़े थे, उसमें हमने बताया था कि जो लिस्ट होती है वो उसके अंदर डेटा हम चेंज कर सकते हैं, बट ये जो टपल्स के अंदर जो भी टपल हम लेंगे उसके अंदर डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे को डी एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और पैरेंथेसिस के अंदर सेम यही वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, ठीक है, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट का मैंने यूज किया और सेम वैल्यू को मैंने लेके इसी को ऊपर वाले को कॉपी कर लेते हैं। और बी की जगह मैं कर देता हूँ डी, इसका टाइप और इसकी जो वैल्यू है वो एज इट इज एज ए, ठीक है। तो ये डी मैंने यहाँ पे बनाया है, पैरेंथेसिस का यूज किया, वी गॉट एन एरर, वापस चेक करते हैं। तो वापस एक डी का यूज़ किया, फिर मैंने पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स का स्टार्ट किया, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेता हूँ मैं 10.5 हेलो और -10, ठीक है, कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी। और
और इसको प्रिंट करते हैं। सबसे पहले इसको प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट देखिए जो वैल्यू थी वो एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो गई है। अब इसकी क्लास चेक करेंगे तो टाइप फंक्शन यूज किया और डी लिखा हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट टपल, यानी कि ये जो डी है टपल बन गई है। टपल के अंदर भी क्या होता है, वेरियस डेटा टाइप होते हैं, बट यहाँ पर डिफरेंस जो मैन यही है कि लिस्ट में वैल्यू चेंज हो सकती है रन टाइम, यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये कभी भी एक बार वैल्यू अगर इसमें आपने असाइन कर दी तो उसके बाद में वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसके बाद में आता है नेक्स्ट डेटा टाइप जो कि स्ट्रिंग लिस्ट टपल के बाद में आता है सेट। तो स्टूडेंट जो सेट्स होता है वो एज इट इज एन के जैसा ही होता है, लिस्ट और टपल्स की तरह ही, बट इसके अंदर जो ब्रैकेट का यूज़ किया जाएगा वो होगा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और कर्ली ब्रैकेट के बाद में जो एक जो वैल्यू हम देंगे वो जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर प्रिंट नहीं होगी। तो देखिए एग्जाम्पल करते हैं इसका। यहाँ पे मैं बोल लेता हूँ एक वेरिएबल, हाँ। तो स्टूडेंट इसके बाद में हम पढ़ेंगे टपल के बाद में सेट्स। तो सेट्स क्या होता है कि ये भी एक लिस्ट और टपल की तरह ही होता है, बट इसमें जो ब्रैकेट यूज़ किया जाएगा वो कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया जाएगा और इसमें जो डुप्लीकेट है वो वैल्यू प्रिंट नहीं होंगी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं ए, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10.5 और कोई भी स्ट्रिंग हेलो और -10 और कर्ली ब्रैकेट से इसको इनक्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसको यहाँ पर मैं करता हूँ आउट, प्रिंट आउट, प्रिंट करता हूँ इसको प्रिंट। तो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर देता हूँ इसके अंदर, देखिए वैल्यू बस इसको यहाँ से कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। फिर मैं लिखता हूँ 10.5। अब प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट ए, और साथ में ये भी चेक कर लेते हैं, इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कोमा लगाएंगे, टाइप ए और एंटर करेंगे। ओ वी गॉट एन एरर, टाइप की जो स्पेल है वो मिस्टेक हो गई है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी और फिर प्रिंट ए कॉमा टाइप टाइप। जो रिजल्ट अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमने वैल्यू इनपुट की थी वो 10.5 है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो जो प्रिंट आउट आएगा उसमें जो एक दोनों जगह जो दो बार हमने 10.5 लिखा वो एक ही प्रिंट होगा और इसका जो टाइप है वो हो जाएगा सेट, ये यानी कि सेट टाइप का डेटा। इसके बाद में जो है जो नेक्स्ट अपना डेटा टाइप है सेट्स के बाद में है, वो है नन। तो नन क्या होता है स्टूडेंट, नन का जो भी कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर तो करते हैं बट उसकी कोई वैल्यू हम नहीं देते हैं तो वो नन टाइप का रहता है। यहाँ पे देते हैं बी और बी की जो वैल्यू है कोई है यहाँ इसको इनिशियलाइज करते हैं नन से। देखिए बी का टाइप चेक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा नन टाइप। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना है
एग्जाम्पल वो है जो हम डेटा टाइप है वो मैपिंग, और मैपिंग में एक होता है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है कोई पेयर बनाने के लिए। यहाँ पर पेयर जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक क्रिएटिंग डिक्शनरी है, डिक्शनरी वन से फ्रूट एक एप्पल है, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ देखिए डिक्शनरी जो डिक्ट वन है, डिक्शनरी वन लिखा आपने, ये क्या है, आपने एक वेरिएबल लिया है और उसकी जो वैल्यू फ्रूट एप्पल जो फ्रूट है उसके बाद में हमें कोलन लगाना है और कोलन के बाद में उसकी वैल्यू देनी, यानी फ्रूट क्या है एप्पल, यानी फ्रूट की वैल्यू एप्पल, क्लाइमेट कोल्ड और प्राइस। अब इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे इसको डिक्ट वन को। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे टी आई सी टी कॉम और यहाँ इसका टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप डिक्शनरी वन एंटर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जी ये जो रिजल्ट अपना प्रिंट हुआ है एज इट इज, यहाँ पर हमने दिया था फ्रूट एप्पल ये सब आ गया, और इसकी एक क्लास है डिक्शनरी क्लास का डेटा टाइप है। ये सारे डेटा टाइप के हमने प्रैक्टिकल कर लिए हैं। इसके बाद में जो टॉपिक है अपना वो है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होते हैं स्टूडेंट, और ऑपरेटर म्यूटेबल और इम्यूटेबल, जिनकी वैल्यू यहाँ से चेंज हो सकती है वो म्यूटेबल होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती इम्यूटेबल होते हैं, मैंने आपको बता दिए थे। इसके बाद में सारे जो डेटा टाइप हैं उनके एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो किसी इंडिकेट करते हैं किसी ऑपरेशन को। फॉर एग्जाम्पल प्लस है, प्लस क्या एक सिंबल है, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ऐड को इंडिकेट कर रहा है। तो ऑपरेटर्स होते हैं, देर आर मैनी टाइप्स। तो स्टार्टिंग अपना पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो गणित से रिलेटेड होते हैं, मैथमेटिक्स से इसमें आता है प्लस। तो प्लस क्या करता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं नंबर वन की वैल्यू फाइव है, नंबर टू की वैल्यू सिक्स है, दोनों को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट इलेवन। ठीक है, तो प्लस माइनस इसके आपको पता ही है, माइनस करता है, मल्टीप्लेक्शन है, इनटू करता है वैल्यू को, और यहाँ पे डिवीज़न है तो डिवीज़न क्या करेगा, ये डिवाइड करता है। ठीक है, और मॉड्यूलेशंस ये रिमाइंडर जो होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए, और फ्लोर डिवीज़न है, फ्लोर डिवीज़न क्या करेगा, ये भी जो इसका डिवीज़न है उसको कैलकुलेट करेगा, एक्सपोनेंट पावर को कैलकुलेट करता है। तो इनके सबके एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर को पढ़ेंगे। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के जो सिंबल्स होते हैं, सबसे पहले होता है प्लस, और प्लस जो होता है इसके लिए यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं, चलो यहीं पे कर लेते हैं, और न्यू फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे सारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। तो नई फाइल में लिखेंगे, नई फाइल हमने ओपन कर ली है, और यहाँ पर लिखेंगे हैश का साइन। हैश का साइन क्या है, कमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, इसको जो इंटरप्रेटर है वो रीड नहीं करता है इनको, ये इनको इग्नोर कर देता है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में जैसे कि हमने लिया ए की वैल्यू, एक वेरिएबल लिया है सेवन, और बी की वैल्यू लेता हूं मैं यहां पर टू। अब स्टूडेंट सबसे पहला जो एडिशन है, एडिशन के लिए हम यूज करते हैं ए प्लस, यहां पे जो एक सी वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कर लेते हैं ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी क्या, अब यहां पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ये क्या करेगा, इनको प्लस करने के बाद में जो रिजल्ट है वो सी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और सेव यहाँ पे ARI नाम से इसको, और डॉट py आपको जरूर लगाना है क्योंकि पाइथन की फाइल है, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देते हैं, सेव, और यहाँ से करेंगे रन। जैसे रन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं नीचे जो रिजल्ट आ रहा है वो 9 आ गया। इसके बाद में जैसे कि हम स्ट्रिंग को भी
ऐड कर सकते हैं। कोई स्ट्रिंग हमने लिया, जैसे कि कोई वेरिएबल ए है, इसकी वैल्यू लिखी हमने डबल कोटेशन में हेलो, और बी की वैल्यू यहाँ पर मैंने दी है व्हाट, ठीक है। तो यहाँ ए प्लस बी करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हेलो वर्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी स्ट्रिंग को नंबर के साथ में, स्ट्रिंग को भी, नंबर को तो हम ऐड कर ही पाएंगे और उसके साथ में स्ट्रिंग जो होती हैं, दो स्ट्रिंग होती हैं दोनों साइड की, उनको भी हम क्या करेंगे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में आता है दूसरा ऑपरेटर आता है, वो आपका सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस का। तो वो क्या करता है, जो राइट साइड को माइनस कर देता है लेफ्ट साइड में से। तो ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 5 और बी की वैल्यू रखते हैं 8, ए माइनस बी करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो -3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर माइनस के बाद में मल्टीप्लेक्शन का यूज़ करेंगे तो ए इंटू बी करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 40 आ जाएगा, और ए डिवाइड बी करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.625, ठीक है। तो ये डिवाइडेशन, अब ए की वैल्यू यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ 7, बी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू मैंने लिया 3। तो देखिए स्टूडेंट, अब जो रिजल्ट आएगा आपके सामने, सारे जो ऑपरेटर हैं यूज करके करता हूँ, सब्सट्रैक्शन ले लिया, मल्टीप्लाई ले लिया, डिवीजन। तो डिवीजन क्या करेगा, जैसे 8 है 4 है, तो 4 से हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5। तो पहले हम डिवाइड करते हैं, देखिए ये 2.33। अब डिवाइड के बाद में आता है एक फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन क्या होता है देखो, और एक मॉड्यूलेशन, जो मॉड्यूलेशन है फ्लोर डिवीजन क्या, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, वैसे आपको डबल ये बैकस्लैश का यूज करना है और डी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए डिवीजन करेंगे तो ये फ्लोटिंग में वैल्यू देगा 2.33, ठीक है। एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी, बट फ्लोर डिवीजन में क्या होगा, जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी, सिर्फ 2 ही यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। इसके बाद में आता है रिमाइंडर, रिमाइंडर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो रिमाइंडर क्या है, जैसे 7 को डिवाइड करेंगे 3 से तो जो रिजल्ट आएगा आपका वो आएगा 1। तो उसके लिए जो होता है परसेंटेज का जो साइन होता है, मॉड्यूलेशन इसको बोलते हैं, इसका यूज करेंगे और यहाँ क्या रिजल्ट 1। तो ये था 1। इसके बाद में जो फ्लोर के बाद में आता है एक्सपोनेंट, ये पावर को कैलकुलेट करने के लिए आता है। पावर जैसे घात होती है, तो मान लेते हैं कि 7 ए की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और बी की वैल्यू है 2। तो अगर मैं एक्सपोनेंट का यूज करता हूँ, डबल स्ट्रिक का, डबल मल्टीप्लाई जो साइन है उसका यूज करके, मैं यहाँ पर बी ए और एक्सपोनेंट बी करेंगे तो यहाँ पर जो इसका मतलब ये होता है कि ये 4 की पावर है 2 है, आई मीन क्या है 4 की पावर 2, ठीक है। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा देखना, जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आता है 6, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए, पावर कैलकुलेट करने के लिए एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, कंपेयर करता है द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंट, जो ऑपरेंट्स की वैल्यू होती है उनके बीच में तुलना का काम करता है, कंपेयर करता है। देर आर 6 ऑपरेटर्स, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो ये क्या करता है, कोई भी जो वैल्यू होती हैं उनके बीच में ये कंपेरिजन का काम करता है और ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देता है। तो देखिए इसको मैं इसका प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक नई फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल, और सबसे पहले कोई वैल्यू लेते हैं, ए की वैल्यू लेते हैं 5 और बी की वैल्यू लेता हूँ मैं 6, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ कंपेयर करेंगे इसको, ए को और बी को,
ए सी सी इक्वल एक सी लेते हैं जिसकी वैल्यू हम प्रिंट करेंगे एक साथ सारे को रन कर सकते हैं। ए ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे तो जो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 5 है बी की वैल्यू 6 है यहाँ पे कंपेयर कर रहा है ए ग्रेटर देन बी तो कंडीशन क्या है यहाँ पर ये फॉल्स है कि ए ग्रेटर देन बी यानी कि ए बी से बड़ा है क्या नहीं है तो जो सी के अंदर क्या वैल्यू ट्रांसफ़र होगी फॉल्स आएगा कि ट्रू आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा या फिर हमको स्टेटमेंट भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सी को क्या कर देता हूँ प्रिंट कर देता हूँ। तो ये सारे जो है एक साथ करने के लिए इसको मैं कॉपी करके तो देखिए ग्रेटर देन है फिर यहां पे मैं चेंज कर देता हूं लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू इक्वल इक्वल टू नॉट इक्वल टू तो सारे एक साथ ही ये ट्रू फॉल्स आ जाएगा। तो यहां पर देखिए बता देता हूं ए ग्रेटर देन बी तो रिजल्ट आएगा फॉल्स ए लेस देन बी हाँ रिजल्ट ट्रू है तो रिजल्ट आएगा आपका ट्रू ए ग्रेटर देन इक्वल बी कंडीशन आपकी फॉल्स आएगी तो रिजल्ट आएगा फॉल्स ए लेस देन इक्वल बी हाँ लेस भी है यानी कि यहाँ पे दो बार दो कंडीशन एक साथ लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल एक कंडीशन ट्री होनी चाहिए तो लेस देन है तो ट्री हो जाएगा ए इक्वल इक्वल बी तो ए इक्वल नहीं है तो यहाँ पर आएगा आपका फॉल्स और नॉट इक्वल भी हाँ नॉट इक्वल है ए बी के इक्वल नहीं है तो रिजल्ट आएगा ट्रू। तो इसको कर लेते हैं सेव नाम से इसको सेव कर लेते हैं और करते हैं रन। तो ये देखिए फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ठीक है। तो इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है ये कंपेयर करके बिटवीन टू वैल्यूज हमें रिजल्ट देता है ट्रू या फॉल्स में। नेक्स्ट टॉपिक अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है स्टूडेंट ये इक्वल का जो साइन होता है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर तो यहाँ पे देख पा रहे हैं तो num1 की वैल्यू 2 है फिर num2 इक्वल num1 यानी कि num1 इधर आ गया num2 आ गया तो num2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 यानी ये क्या करता है जो लेफ्ट साइड वैल्यू को असाइन करता है या फिर वैल्यू को चेंज कर देता है। और इसके बाद में देखिए नेक्स्ट है अपना कंट्री। कंट्री क्या है एक वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू है इंडिया और यहाँ पर जब इस कंट्री को क्या करेंगे इसकी वैल्यू इसमें असाइन होगी अगर वैल्यू को हम आउट करेंगे तो इंडिया आउट हो जाएगा। तो एक होता है कंपाउंड असाइनमेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ए की वैल्यू अपने पास है 10 ठीक है और ए की वैल्यू 10 है अब इस ए की वैल्यू को हमें इसमें और ऐड करना तो ए प्रिंट करेंगे तो ए की वैल्यू 10 आ जाएगी ए इक्वल ए प्लस 10 इट मीन्स ये क्या है कि ए की वैल्यू तो 10 है ही यानी इस ए की वैल्यू क्या है 10 इसमें हमने प्लस क्या कर दिया ये वाला 10 तो क्या वैल्यू हो जाएगी 20 तो ए के अंदर क्या ट्रांसफर हो जाएगा 20 ठीक है। अब देखिए कि अगर हमें इसी को अलग तरीके से लिखना होता है तो हम क्या करेंगे ये जो प्लस का साइन है ये इधर लिखेंगे ये जो इक्वल का साइन है ये यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिखेंगे a। तो स्टूडेंट देखिए ये वाला जो इक्वेशन है और ये जो मैंने नीचे लिखा है ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जाम्पल है और ये जो है कंपाउंड असाइनमेंट का एग्जाम्पल है इट मीन्स दोनों ही सेम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने वैल्यू दी है 10 और इस 10 में से यहाँ पे ये जो 10 है ये इसकी वैल्यू है और इसमें से 10 हमने प्लस कर दिया तो किसकी इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 20 तो यहाँ पर क्या हो गया 20 तो अब ए की वैल्यू क्या हो रही है 20 ठीक है। तो देखिए अब ये जो 10 है
ये इक्वल तो है किसके, टेन के, बट यहाँ पे हमने एक प्लस का साइन और लगा दिया है, तो प्लस क्या करेगा, जो ए की वैल्यू होगी उसमें टेन और प्लस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ पे टेन थी, यहाँ पे ट्वेंटी होगी, तो ट्वेंटी और टेन ये प्लस हो गया, तो अब जो लास्ट वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर प्रिंट थर्टी, ठीक है। तो यानी कि ये कह सकते हैं ये वाला इक्वेशन और ये वाले जो है सेम है कंपाउंड। तो ये जो एग्जाम्पल है देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सारे ही एग्जाम्पल क्या है कंपाउंड असाइनमेंट के हैं, तो यहाँ पे माइनस है इंटू है, तो सारे एक तरह के हैं, तो इनके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं आपका कंपाइलर, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू मैं लिख देता हूँ टेन, ठीक है, और ए इक्वल ए प्लस टेन, अगर ए को प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका ट्वेंटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ट्वेंटी आ रहा है, अब अगर मैं करता हूँ ए इक्वल ए इक्वल सॉरी प्लस इक्वल और टेन, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए प्रिंट ए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे प्रिंट आ रहा है थर्टी। तो ये जो है कंपाउंड असाइनमेंट है, इस प्लस की जगह माइनस का भी यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का या फिर डिवीजन का, फ्लोर डिवीजन का, एक्सपोनेंट का, कोई भी सिंबल का हम यूज कर लेंगे, तो इट मीन्स ये कि ये वाला जो सिस्टम है और ये जो है इक्वेशन है ये सेम ही रिजल्ट हमें देंगे। ये सारे देखिए फ्लोर डिवीजन है, एक्सपोनेंट का है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना लॉजिकल ऑपरेटर, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट।